नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बीजेपी की राजनीति नफरत की राजनीति है, ये कहना है राहुल गांधी का। इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नफरत को नफरत से नहीं मोहब्बत से काटा जा सकता है, ये भी साफ तौर पर कहा राहुल गांधी ने। और साथ ही कहा कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है, नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। बीजेपी भाई भाई को लड़वाती है, जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नहीं रहे। इंडिया गठबंधन ने मोदी को खत्म किया, विपक्ष के दबाव में कानून वापस लिए गए। तो देखिए आज किस तरह से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ में थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है, और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले, और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है, नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है, मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को, उधर देखिए आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर किस तरह से हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा, बीजेपी बहुजन विरोधी, वो झूठ फैला रही है। बीजेपी नहीं चाहती बहुजनों को उनका हक मिले, बहुजनों को न्याय दिलाना मेरा मिशन है। ये देखिए ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने किस तरह से
आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर होते नजर आए। आरक्षण पर से 50% मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं, ये बात तक लिखी राहुल गांधी ने। साथ ही कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है।